नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे लॉजिटेक की तरफ से आने वाले एक वायरलेस माउस की, जिसका कि मॉडल है M331 साइलेंट। और ये एक वायरलेस माउस है और ये साइलेंट टच के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 18 मंथ लिखी गई है। ये आपकी यूसेज पर डिपेंड करता है। और जो इसका MRP इस पर मैंशन है वो 1645 रुपये है, पर मैंने इसे अमेज़ॉन से 1295 रुपये का परचेज़ किया है। तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप पैकेट को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे और जो हमारा माउस है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम माउस को रखते हैं साइड में। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो ये इसके साथ कार्ड मिलता है उस पर क्या क्या लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर लिखी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं ये 90% नॉइस रिडक्शन लगभग ही करता है। और अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करना है वो लिखा गया है और इधर कुछ नहीं है। और दूसरी बात, और जो इसमें बाकी आपको देखने को मिल जाएगा तो ये यूज़र मैनुअल टाइप आपको कुछ देखने को मिल जाएगा कॉशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं। बाकी कुछ इसमें नहीं है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें ये माउस देखने को मिल जाएगा। और जो इसका फर्स्ट लुक है वो काफ़ी शानदार लगा मुझे। ये आप देख सकते हैं नीचे आपको M331 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको लॉजिटेक दिखा लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो इसका ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, ये पूरा ही रबर फिनिश में है। रबर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें कलर में भी चेंज है। ऊपर प्लास्टिक है, नीचे रबर है। तो ये आप देख सकते हैं कलर का भी चेंज है इसमें। और नीचे की साइड ये आप देख सकते हैं एक आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा जो कि ये है। और दूसरा आपको इसमें इनविजिबल ऑप्टिक देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपने बाकी माउस में देखा होगा इसमें रेड कलर की लाइट जलती है, पर इसमें कोई भी लाइट नहीं जलेगी, ये इनविजिबल ऑप्टिक के साथ आता है। और नीचे ये जो कंपार्टमेंट है इसे आपको इस तरीके से ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो बैटरी है वो देखने को मिल जाएगी और जो डोंगल है कनेक्ट करने के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चलिए जल्दी से इसे मैं रिमूव करता हूँ फ्लैप को। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्लैप को रिमूव किया है और डोंगल को भी हम इस तरीके से इसमें से निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डोंगल पे भी पीछे लॉजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पूरा लॉजिटेक नहीं लिखा हुआ है पर वही लिखा हुआ है। और आप जैसे ही इसे क्लोज करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे ऑन करके। तो ऑन करने पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइट नहीं ब्लिंक करी। और ऊपर की साइड में आपको दिखाता हूँ ऑन करने पर, तो ये आप देखिएगा अभी ये आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन किया तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। और ये साइलेंट प्लस है तो इसका मैं फंक्शन आपको दिखा दूँ कि जो इसकी क्लिक की साउंड है वो काफ़ी मिनिमल है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में मैं आपको कंपैरिजन के लिए एक बार दिखा दूँ कि जो मैं पहले माउस यूज़ कर रहा था वो ये लेनोवो का माउस था। ये 300 मॉडल है, ये भी आपको 700 अराउंड रुपीस का मिलेगा। तो ये इसकी साउंड आप देख सकते हैं क्लिक साउंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। और दूसरी जो इसकी यूनिकनेस या खास बात यह है कि इससे आप सिर्फ राइट हैंड से ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें ये रेस्ट है ये वाला एरिया अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ये जो बाहर को निकला हुआ है इस साइड का, तो ये राइट हैंड यूसेज के लिए ही बनाया हुआ है। और ये इन्होंने जो इसका कार्ड था उस पर मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं राइट हैंड कंफर्ट। लेफ्ट हैंड से भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर जो कंफर्टेबल आप फील करेंगे वो राइट हैंड में ही फील करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार इसे लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसे कनेक्ट करना दोस्तों काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको जिसका डोंगल है वो जो USB का पोर्ट है लैपटॉप में आपके, उसमें लैपटॉप या PC में जो आपकी USB का पोर्ट है उसमें इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और ये आप देख सकते हैं हमारा माउस भी अभी ऑन पोजीशन में है।
और अब हम ये आप देख सकते हैं, इसे काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पर ये जो कर्सर है वो मूव करता हुआ दिख पा रहा होगा। तो ये थी कुछ आज की अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।